अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म, एग्जाम कमिंग सून माय डियर। अभी तक तुमने सिलेबस खत्म नहीं किए? क्यों क्यों दोस्त? यू डोंट हैव टाइम बट यू हैव द पावर, यू हैव द एनर्जी। जितना भी समय है तुम्हारे पास उसमें अपनी पूरी जान लगाने की जरूरत है। तुम पत्थर तोड़ने नहीं जा रहे हो, तुम्हें पढ़ना है। तुम पूरा दिन धूप में काम करने नहीं जा रहे हो, तुम्हें अपने घर पर ही अपने छत के नीचे पूरे सुविधाओं के साथ बस पढ़ना है। तुम्हें घर के खर्चों के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है दोस्त, बस तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें मजदूरी नहीं करनी है यार, तुम्हें बस पढ़ना है। तुम गरीब घर में पैदा हुए या मिडिल क्लास में पैदा हुए, ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी थी। पर तुम अमीर बनकर मरो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। तुम्हें अपने हालातों को बदलना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना है। तुम दूसरों की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू हैव कंट्रोल योरसेल्फ। तुम दूसरों के मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हो, बिकॉज यू कैन डू इट एवरीथिंग। माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मेहनत और मजदूरी करें, लेकिन बेटे और बेटी का फर्ज है कि जो संघर्ष माँ बाप ने किया है उसका फल उन्हें उनके बेटे और बेटी की सफलता से मिले। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम भी किसी के पिता बनोगे और तुम भी किसी की माँ बनोगे, और अपने ही बच्चों को किसका एग्जाम्पल दोगे, सचिन का, धोनी का या खुद का? माँ बाप के लिए गर्व की बात होती है कि उनके बच्चे उनसे 10 गुना ज्यादा तरक्की करें, और जो वो खुद नहीं कर पाए वो तुम्हें करते देखना चाहते हैं। जिन सुविधाओं में खुद नहीं जी पाए वो तुम्हें देने की हर दिन कोशिश करते हैं। उनकी डांट में भी प्यार होता है, उनके गुस्से में भी तुम्हारे लिए फिक्र होती है। माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बेटा लूडो और फ्री फायर में बिजी है। अरे उन्हें तो शॉर्ट्स और रील्स देखने से फुर्सत ही कहाँ है। जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे। स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी। फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन योर गोल। शादी, बर्थडे पार्टी, इनमें जाना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें पढ़ना जरूरी है। दोस्त के साथ टाइम पास करना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें पढ़ना जरूरी है। मोबाइल चलाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना जरूरी है। 1 घंटे पढ़े और बोर हो गए? नहीं, तुम्हें और पढ़ना है। 2 घंटे बाद लगता है कि तुमने बहुत पढ़ लिए? अरे नहीं, अभी तो तुम्हारा पूरा कोर्स बाकी है, तुम्हें अभी और पढ़ना है। बस 5 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ। अरे नहीं, ये 5 मिनट कब 1 घंटे बर्बाद कर देंगे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, तुम्हें और पढ़ना है। हिम्मत और हौसला कम हो रहा है, लेकिन तुम्हें अभी और पढ़ना है। गहरी सांस लो और खुद से वादा करो कि तुम्हें अभी और पढ़ना है। पानी पियो, दिमाग को रिफ्रेश करो, क्योंकि तुम्हें अभी और पढ़ना है दोस्त। ग्रो योर सेल्फ एंड गो फॉर योर ड्रीम, गो फॉर स्टडी, गो फॉर एग्जाम, डोंट गिव अप। अगर बार बार टकराने से रस्सी भी पत्थर पर निशान छोड़ सकता है, तो तुम बार बार पढ़ने से एक टॉपर स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते? अगर अभ्यास से एक मंद बुद्धि भी दुनिया का जीनियस व्यक्ति बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं? तुम स्वामी विवेकानंद की तरह 1 घंटे में 1 बुक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन तुम कम से कम 1 चैप्टर तो पढ़ सकते हो ना, तो फिर पढ़ो ना। अरे 1 घंटे में 5 क्वेश्चन भी याद हो जाए तो वो बुरा नहीं है। खाली बैठने से तो अच्छा है कि तुम पढ़ो, फेल हो जाने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम पढ़कर टॉपर बन जाओ। टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि तुम पढ़ो। क्या तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जाने? तो तुम्हें पढ़ना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक पावरफुल जॉब हो? तो तुम्हें और ज्यादा पढ़ना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारी नॉलेज हो, ढेर सारी डिग्रियां हो? तो तुम्हें और पढ़ना है दोस्त। बस मेरी बात याद रखना कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्त, तुम्हें पढ़ी हुई चीजों को याद भी रखना है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और जो पढ़ा हुआ याद न रहे वो तो पढ़ाई ही नहीं होता दोस्त। शिक्षा तो वो है जो जरूरत में काम आए, जो याद रहे। रटो मत, समझो, सिर्फ पढ़ो मत, याद भी रखो। सीखना जरूरी है, रटना नहीं। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर द बेस्ट, यू आर स्मार्ट, यू आर टैलेंटेड, यू आर हैंडसम, और तुम अपने गांव, अपने शहर, अपने स्कूल, कॉलेज और अपने देश के सबसे सफल लोगों में गिने जाओगे। आज इस वीडियो के नीचे पावरफुल कमेंट छोड़कर जाइए, और जब कभी पढ़ने में आपका मन न लगे तो वापस उस कमेंट को एक बार पढ़ लेना, फिर से आपके अंदर पढ़ने की एनर्जी आ जाएगी। इस वीडियो को फिर से देखना, फिर से एनर्जी आ जाएगी। स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। विश्व ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।